आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो फ्लिपकार्ट ऐप है उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं यानी अकाउंट एक्टिव करना चाहते हैं, कैसे उसमें अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद उसके बाद से आपको फ्लिपकार्ट ऐप को क्या करना है कि ओपन करना है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद कुछ अलाउ एक्सेस मांगेगा, आपको अलाउ एक्सेस कर देना। अलाउ एक्सेस करने के बाद उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से आपके सामने लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से कोई सा भी एक लैंग्वेज चूज करना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट दो तरह से बना सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से, दूसरा आप ईमेल आईडी का यूज करके। तो यहाँ से अगर मोबाइल नंबर से अगर बनाना चाहते तो मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर ईमेल आईडी से बनाना चाहते तो यूज ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडी होंगे वहाँ से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा या फिर डालने का, वहाँ से आप इजीली डालकर कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर का यूज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालकर उसके बाद से आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, जो कि इसी फोन में सिम रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ओटीपी डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका अकाउंट बनकर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे अकाउंट आपका एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से आपको कुछ भी एडिट करना है अपने अकाउंट में, तो यहाँ पे अकाउंट वाला जो सेक्शन नीचे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट का, यहाँ पे आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर यहाँ से प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना, उसके बाद से लास्ट नेम, उसके बाद से आपको ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं यानी ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद उसके बाद से ये आपको सेव कर देता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम हो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। तो सिंपली आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखकर उसके बाद से अगर ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका जो ईमेल यानी जो आपका नेम है वो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी आप यहाँ से अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से आपको कुछ भी एड्रेस या कुछ भी ये करना है तो बुक करेंगे उस समय भी एड्रेस सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप एड्रेस अभी सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ से एड्रेस आप सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।